तो अभी देखिए मेरा पुआ बस बनने वाला। देखिए हम किचन आए हैं और मम्मी अभी क्या बना रही है, दूध में क्या खाने में। तो ज़रूर बताइएगा मेरा पुआ कैसा बना हुआ, अच्छा बना हुआ, मीठा लग रहा, अच्छा लग रहा। अगर आप लोग कभी खाने का मन कर रहा तो ज़रूर हमसे मांग लें, तो हम दे देंगे। तो ठीक है, और इधर देखिए पेड़ पौधा सब भी देखिए, एकदम कितना ही एकदम हवा चल रहा है चारों तरफ। सुबह से आज वैसा ही दिन किया हुआ है हमारी तरफ। गुड मॉर्निंग, आप लोग कैसे, आशा करते हैं ठीक होंगे, अपने अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अभी हम अपना ब्लॉग 10 बजे स्टार्ट किए हुए सुबह, और अभी देखिए बाहर का वही माहौल दिखाते, इतना ज़्यादा धूप है ना क्या बताएं, चारों तरफ एकदम गर्मी गर्मी हो रहा। और सुबह का अभी 9 ही बज रहा है, 9:10 बज रहा है, और अभी देखिए कितना ज़्यादा धूप है। तब देखा इस अभी बाहर दिखाते आप लोग को, फिर हम नीचे जाएंगे और मेरा फुल ब्लॉग देखिएगा आप लोग। अगर फुल ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तो लास्ट तक बने रहिए ठीक है। देखिए हम घर से बाहर आए, तो देखिए बाहर में कितना ज़्यादा धूप है और चारों तरफ हवा एकदम चल रहा है गरम गरम, बाहर निकलते ही गर्मी लगने लगता है। तो अभी अच्छा घर में ही रहते हैं, उसके बाद फिर मिलेंगे ठीक है। अभी ये लड़की आई है मेरे पास और बोल रही क्या खाएगी, क्या खाएगी रे? मुर्गा नहीं मटन है वहाँ, तो बोल रही है वहाँ रात का मटन कुछ बचा हुआ है, तो बोल रही है हम अभी खाएँगे, तो अभी इसको लेके चलते बचा हुआ खिला देते हैं। चलो तुमको हम देते हैं अभी, पहले वहाँ चलो थाली लो, मछली वाला थाली अलग है, यहाँ यहाँ इसमें है देखो, तो इसको भी थाली दे रहे हैं। अरे इसमें नहीं, बड़ा जैसा होगा देखो, सब इधर रहेगा, यही लो इस, यही ले लो, अभी धोया नहीं है, इलो इलो इसी में खा लेना, नत कटोरी ले लो, इसमें नहीं खा पाएगी गिर जाएगा कटोरी में। चलो तो कटोरी दिया है इसको, अरे यहाँ चावल है, चावल लो अपने मन से जितना लेना है लो, जितना सा लेना है लो, पापड़ भी ले गई, पापड़ भी ले लो। तो अभी निकाल रही है और बोल रही है अभी खाएंगे, तो अभी दे रहे हैं। और ऐसे भी मम्मी कुछ देर पहले मटन अभी गर्म की थी क्योंकि रात में बचा हुआ था, और कुछ आदमी आया था वो लोग भी खाए थे, तो ठीक है इसको देते हैं अभी और वहाँ जाके खिलाते हैं ठीक है, खाने के बाद फिर मिलते हैं। इसको दे दिए खाना खाने के लिए और ले रही है, और इधर अभी टी वी देखेगी उसके बाद खाएगी। तो अभी हम चलते बाहर, और बाहर में जाके हम थोड़ा देर आराम करते हैं क्योंकि हम भी थोड़ा देर पहले खाना खाते हैं, उसके बाद फिर मिलेंगे तो ठीक है। तो अभी देखिए हम दुकान आए हैं और दुकान में बैठ के अभी गेम देख रहे हैं, और उधर उस साइड देखिए इतना ज़्यादा हवा चल रहा है आज पूरा, एकदम गर्मी भी है। और अभी जाएंगे आप लोग को आगे से छत पे से दिखाते हैं अभी, और पहले कुछ देर बैठ के यहाँ देख लेते हैं गेम, उसके बाद फिर जाएँगे तो फिर आगे से दिखाते हैं। और अभी हमारा घर देखिए, हम अपना घर के जस्ट सामने में ही दुकान है, बस उसी जगह बैठे हुए हैं। तो अभी देखिए हम छत पे आए और देखिए इतना हवा चल रहा है यहाँ छत पे, बहुत ज़्यादा हवा चल रहा है, धूप भी है, और पूरा एकदम देखिए कूड़ा कचरा सब कहाँ कहाँ से उड़ पुड़ के आ गया यहाँ छत पे आ चुका है अभी। और नीचे का भी जितना हॉल सब था पूरा एकदम गंदा से हो गया, लगता है झाड़ू उड़ू पूरा एकदम लगाना पड़ेगा। और इधर देखिए पेड़ पौधा सब भी देखिए, एकदम कितना ही एकदम हवा चल रहा है चारों तरफ। सुबह से आज वैसा ही दिन किया हुआ है हमारी तरफ का। और अभी आगे दिखाते हैं, इधर देखिए केला सर का पौधा, देखिए कितना हवा चल रहा है। और इधर भी जस्ट हमारे घर के सामने ही जंगल ही मान लीजिए, तो इधर भी देखिए जंगल ही है चारों तरफ पीछे में हमारे। और इस साइड भी थोड़ा सा आगे गाँव है जो कि आप लोग को दिखाया ही है, तो अभी देखिए कितना हवा चल रहा बहुत ज़्यादा। तो हम सोचे एक बार दिखा देते हैं व्यू अभी यहाँ का गांव का, और इधर मेरे गांव का देखिए एकदम चारों तरफ से, अभी चारों तरफ एकदम बालू बालू उड़ रहा है, उधर भी उधर तो और खेत है पीछे, तो उधर तो और हो रहा, तो उधर अभी दिखा नहीं सकते, तो हम यहीं छत पे से आप लोग को दिखा देते हैं। और आगे हम मेरा गाँव जो है वो भी दिखाते हैं, तो हम छत पर नहीं जाएँगे अभी, बहुत ज़्यादा धूप है, हम अंदर से ही दिखा देते हैं। तो ये जो हॉल है ना, यहाँ अभी कुछ हुआ नहीं है, ये स्टोर रूम बनने वाला है, अभी बना नहीं है, तो कुछ दिन के बाद यहाँ बन ही जाएगा। छत पे पता कि अभी कुछ नहीं हुआ, खिड़की विड़की नहीं लगाया ना, वेंटिलेटर सब चीज़ लगेगा, अभी थोड़ा सा टाइम है, कुछ दिन के बाद फिर पेंट वेंट होगा पूरा एकदम घर का जो कि अच्छा लगे, और खिड़की विड़की में शीशा वीशा लगेगा उसके बाद अच्छा लगेगा। तो सबसे ज़्यादा ग्राउंड हम लोग का छत पर यही फ्लोर अच्छा लगेगा सबसे ज़्यादा, क्योंकि अभी मैप में हम बना के देख लिए हैं अभी, तो अभी तो नहीं, कुछ दिन के बाद यहाँ का काम स्टार्ट होगा। और अभी देखिए हमारे घर के आगे का देखिए गांव का नज़ारा, अभी चारों तरफ एकदम बहुत ज़्यादा धूप है अभी, और इस साइड भी, और दिखाते हैं इधर, इधर देखिए गेट है, इधर से भी
तो दिखाया ही है नीचे से। तो ठीक है गाइस, अब यही दिखा रहे थे कितना हवा चल रहा, तो कितना धूल उड़ रहा। तो ठीक है गाइस, अब शाम में मिलते हैं डायरेक्ट, क्योंकि बाहर में बहुत ज़्यादा धूप है और घर में भी कोई नहीं है, भाई सब भी नहीं है और दीदी भी कॉलेज चल गई, पापा भी नहीं और मम्मी सोई है। तो ठीक है गाइस, अब डायरेक्ट अब शाम में मिलते हैं, शाम में डायरेक्ट मिलते हैं आप लोग से। तो अभी देखिए हम किचन आए हैं और मम्मी अभी क्या बना रही है, दूध में क्या दिया है और कौन सी बना रही है, पुआ बनाएगी और इसमें चावल का है शायद चूर और दूध है और यही सब है क्या है ऊपर में मटर सा। और देखिए अभी क्या छान रही है, तो अभी बनेगा हमारे घर में और अभी हम देखे तो नीचे आए तो ब्लॉग बना रहे हैं अभी। और आज तो मॉर्निंग क्लास लगा था, सब घर आ चुका है, खाली पापा नहीं आए, दीदी सब भी आ गई है। तो देखिए अभी दे रही है, अच्छा लग रहा है। तो बंदा फिर आगे आगे आप लोग को दिखाते हैं। तो ठीक है, इस सौदर के बाद मिलता दे रही है, इसमें पहले सूजी दी, उसके बाद चीनी दी और अभी मैदा भी दी, चावल तो दे ही दी और भी कुछ दे गया, अब मिलाएगी तो अभी सारा चीज़ दे दिया और अब मिलाएगा। और इधर देखिए डब्बो ली, उसी से मिला गई, कितना ही प्यारा लगा। दूध दे रही है क्योंकि ज़्यादा टाइट हो गया था और अभी दूध देगी, उसके बाद मिक्स करेगी पूरा एकदम। तो ज़रूर आप लोग को ये रेसिपी, पुआ का रेसिपी अच्छा लगा अगर ज़रूर लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा और देखिए पूरा एकदम पूरा वीडियो फुल दिखाएंगे आप लोग को आज। तो देखिए अभी अभी मिला रही है, तो इसको पूरा मिक्स करना पड़ता है, उसके बाद फिर उसके बाद इसमें पकाएंगे, इसमें तेल देंगे। तो ठीक है थोड़ा देर बाद मिलता है। देखिए अभी मम्मी मिला रही है और जब तक उसको मिक्स नहीं करेगा तो तब तक उसके अंदर में दाना दाना टाइप से बचता है, उसको मिक्स करना पड़ता है, पूरा घोल करना पड़ता है, पुआ फूलता है, तब पुआ फूलता है। मम्मी बोली अब उसके बाद अब उसको पूरा मिक्स करेगी, उसके बाद फिर वहाँ बनाएगी। तो फिर आगे दिखाते हैं। और अभी कोई घर में है, सब कोई घर में ही है, इस रूम में सब कोई है और आगे कोई नहीं है, यहाँ यहाँ भी नहीं है कोई। और बाहर में देखिए कितना ज़्यादा धूप है और हवा अब कुछ शांत हो चुका है, कुछ देर पहले बहुत ज़्यादा दे रहा था हवा और गर्मी भी था, अभी तो 3-4 बज रहा है तो उतना नहीं हो रहा। तो ठीक है, मम्मी तेल ये तेल गर्म हो रहा है तो वही चेक कर रही थी थोड़ा सा, देख लिया कितना अच्छा लग रहा है, तेल भी गर्म हो रहा है और अभी देखिए दे रही है। कैसा हमारा पुआ बनेगा, हम पहले ही गैस करके देखिए अभी दे रही है आगे, अभी इतना अच्छा लग रहा है देखिए। तो अभी देखिए मेरा पुआ बस बनने वाला है, बस बन ही गया, अब निकालेंगे कुछ देर में, तो निकालते हैं फिर दिखाते हैं आगे। देखिए मम्मी पुआ बना के निकाल दिया और इस साइड अभी बन रहा है, जरूर बताइएगा हमारा पुआ कैसा बना। तो ठीक है गाइस, आगे फिर मिलते हैं। हेलो गाइस, तो अभी हम पुआ खा रहे हैं बैठ के, यहाँ देखिए कितना अच्छा लग रहा बना हुआ, खुशी खा के पुआ। तो अभी हम खिड़की के पास बैठ के खा रहे हैं और इस आगे खुशी है, बस ऐसे गिर के पास खा रहे हैं, अच्छा लग रहा है खाने में। तो ज़रूर बताइएगा मेरा पुआ कैसा बना हुआ, और अच्छा बना हुआ, मीठा लग रहा, अच्छा लग रहा। अगर आप लोग कभी खाने का मन कर रहा तो ज़रूर हमसे मांग लें, तो हम दे देंगे। तो ठीक है गाइस, आज के लिए मेरा ब्लॉग यहीं तक, अगर आप लोग को अच्छा लगा अगर लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।